हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। आज यानी गुरुवार को वैशाख मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी मनाते हैं। भगवान बुद्ध को विष्णु का नौवा अवतार माना गया है। पूर्णिमा तिथि 22 मई को देर रात 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को संध्या काल 7:22 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अंततः 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन परिघ योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। धर्म के नजरिए से ये बहुत खास स्थिति है, क्योंकि इस तिथि पर कूर्म अवतार का प्रकट उत्सव और भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। वैशाख मास में गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। कई भक्त पूरे वैशाख महीने में रोज नदी स्नान करते हैं। वैशाख मास के स्नान की अंतिम तिथि आज है। वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी के जल से स्नान के बाद घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। कुछ लोग इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी जाते हैं। इसी क्रम में गढ़वाल रेंज के आईजी करण सिंह नाग्यानाल ने 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर की पौड़ी घाट का जायजा लिया है। यहाँ श्रद्धालु आज डुबकी लगाएंगे। आईजी करण सिंह नाग्यानाल कहते हैं, रात 1 बजे से हम अपना काम शुरू कर देंगे। जो लोग घाटों पर सो रहे हैं उन्हें जगाया जाएगा और स्नान की प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आरती समाप्त होने तक दिन के समय भारी वाहनों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें सब यहाँ पहले से ही हर तरह के हर सैटरडे वीकेंड में यहाँ स्नान का ही मेला रहता है और बलिवादी विज्ञ है, सबको ड्यूटी और पुलिस बल उनके सुपरविजन में दे दिया गया है, सेक्टर में बांट दिया है और 7 जोन टोटल बनाए गए। तो इस तरह से रात्रि 1 बजे से हमारी जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जितने भी घाटों में सोए हुए लोग उनको उठा के फिर स्नान की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। क्या सर घाट भी खोल बुलाएगा स्नान के लिए? हाँ, पीएसी दी गई है और आपके सहयोग के लिए पीएसी अभी एक कंपनी और एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि और दंपत से गत वर्ष की बात ही संभव नहीं है, चार धाम पीक पे है आजकल, तो एक्स्ट्रा ये फोर्सेज और ये पीएसी हमने यहाँ दिया है। सर चार धाम भी चल रही है और स्नान भी है, इस तरह भीड़ को किस तरह निमंत्रण करेंगे? यही सेक्टर में बांट दिया गया, हमारे टोटल जोन में बांटा गया, सबके इंचार्ज गल्टेड ऑफिसर है, उनकी पर्यवेक्षण में देखा जाएगा और स्नान करा के सबको टाइमली बाहर भी हर की पैड़ी से बाहर भी कराना, क्योंकि सबकी एक ही टारगेट लक्ष्य रहता है। जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आता है सबका एक ही ध्येय होता है कि हम किसी भी तरह से हर की पैड़ी में ही स्नान करें, तो उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए सबका नंबर आए, इसलिए बहुत तेजी के साथ स्नान कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। डाइवर्जन का प्लान है, जो भारी वाहन है उनको आने नहीं दिया जाएगा दिन में, शाम तक जब तक आरती चलेगी शाम तक कल को, तब तक जो है भारी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डाइवर्जन प्लान भी है और जिनको धाम में जाना है तो धाम के लिए भी अलग से हम लोग यहाँ से रिलीज करते रहेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मद्रांचल पर्वत को जब मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को नीति बनाया गया और जब मद्रांचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया तो आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मद्रांचल पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन हो सका। माना जाता है कि जिस दिन विष्णु जी ने कूर्म का अवतार लिया था उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा थी। वैशाख पूर्णिमा पर ही हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। वही हिंदू मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना नौवा अवतार बुद्ध के रूप में लिया था। शास्त्रों में निहित है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल वैशाख पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती है। आपको बता दें कि यह त्योहार बौद्ध धर्म के लोगों के लिए खास माना जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया जाता है और उनकी विशेष पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में मनाया जाता है। इसी शुभ तिथि पर गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था।
गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त कर लिया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले आते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें पंजाब केसरी.com के साथ।